सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। वो चीज मैंने आपको कोड में करके बताया था कि हम उसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर हैंडलिंग करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं। जैसे कि हम ट्राई कैच ब्लॉक एक यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में हैंडलिंग करने के लिए, एरर हैंडलिंग के लिए। तो आज हम वही चीज देखेंगे कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास ट्राई कैच फाइनली ये तीन स्टेटमेंट्स और तीन ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है और उसके साथ उसमें एक आउटपुट जनरेट करता है और हमें कोड के एग्जीक्यूशन में वही चीजें सेम मिल जाती हैं। तो गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बनाते हैं ट्राई कैच डॉट जे एस की फाइल। सिंपली आज हम एरर हैंडलिंग सीखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरर हैंडलिंग, ठीक है, जिसमें हम सीखने वाले हैं एरर हैंडलिंग में ट्राई कैच ब्लॉक हम कैसे यूज करेंगे एरर हैंडलिंग के लिए, ट्राई कैच, ठीक है। सिंपली गाइस, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिवाइड करेंगे नंबर्स को। अगर तो वो हमारे पास नंबर डिवाइड होने वाले होंगे तो वो हमारे सोल्व कर देगा वो ट्राई ब्लॉक में, अदरवाइज वो कैच ब्लॉक में जाके उसको एरर को थ्रो कर देगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ उसके लिए। सिंपली मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे डिवाइड नंबर, ठीक है, सिंपल मैंने नंबर बनाया जिसके अंदर मैं गाइस दो पैरामीटर्स लूंगा, ए एंड बी, सिंपली दो पैरामीटर्स लूंगा और यहाँ पर मैं लास्ट में रिटर्न करूंगा इसको, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो चीज़ हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर अपने इसको हिट कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ जिसमें हम अपने फंक्शन को रन करेंगे। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करेंगे, डिवाइड नंबर्स को कॉल कर देंगे जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू पास करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू होगी, ठीक है गाइस। सिंपली मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4। ये दो वैल्यूज मैं भेज रहा हूँ जो मेरी ए और बी के अंदर जाएगी। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे गाइस एक ट्राई कैच ब्लॉक जो कि हमारा होता है ऐसे, जिसका ये सिंटेक्स होता है जब हमारा कोड प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो ट्राई ब्लॉक में रहता है, अदरवाइज अगर उसमें कोई एरर है वो कैच ब्लॉक में चले जाता है। तो हम वो चीज़ आज देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक इफ कंडीशन, इफ जो मेरा बी है ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो है, अगर मेरे पास बी के अंदर जो वैल्यू आई है वो जीरो आई तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर थ्रो कर दूंगा अपना एक न्यू एरर, ठीक है, थ्रो न्यू एरर। एरर के अंदर हम कर रहे हैं यहाँ पर कुछ भी अपना प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया एरर ब्लॉक, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पर ये कर दिया एरर ब्लॉक। अगर मेरे पास नहीं आता तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ let result equals to, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास एरर नहीं आया तो क्या कर भाई तू, ए को डिवाइड कर दे हमारा बी से, ठीक है। अब मेरा जब ये ए को बी से डिवाइड करेगा तो मेरे पास रिजल्ट इसके अंदर आएगा, तो मेरा जो ये रिटर्न है, मैं रिटर्न यहाँ से कंट्रोल एक्स करके मैं रिटर्न लगाऊंगा यहाँ पे, जिसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न के अंदर हमारा रिजल्ट को पास, मतलब जो भी मेरा आउटपुट आएगी रिजल्ट की वो मेरी रिटर्न हो जाएगी इसमें, अगर वो यहाँ पर आएगा, अदरवाइज वो मेरा यहीं पर रुक जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर लगा दूंगा कंसोल डॉट लॉग, सिंपली मैंने कंसोल डॉट लगाया एरर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो मैंने एरर प्रिंट करा है यहाँ पर वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अगर तो वो यहाँ पर जाएगा, जो हमारा ये वाला एरर है ना, ये एरर थ्रो होगा हमारा इस ब्लॉक में अगर वो यहाँ पर रुक जाएगा, अदरवाइज वो रिजल्ट दे देगा तो वो हमारा रिजल्ट पास हो जाएगा। इसके बाद एक लगता है हमारा यहाँ पर गाइस फाइनल ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या होता है, हमारा कोड चले या ना चले बट वो फाइनल ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता ही होता है, ये इसलिए लगाते हैं लास्ट में ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए, या तो एरर आया हमारे पास या तो हमारे पास सक्सेसफुली कोड रन हुआ है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एक कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लगाया मैंने यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने लिख दिया सक्सेसफुली रन, लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या होगा कि जब हमारा कोड चलेगा तो आपको पता लगेगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, हमारी जो हमारी फाइल बनी है इस फाइल को रन करता हूँ। सबसे पहले फाइल को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, नोड हमारी फाइल क्या थी, ट्राई कैच, जैसे मैंने हिट किया तो आप देख सकते हो गाइस क्या किया इसने, मैं जूम करता हूँ, इसने सबसे पहले हमारा सक्सेसफुली रन कर दिया क्योंकि हमारा ये तो रन होना ही था, जितने में हमारी एग्जीक्यूशन हुई इतने में इसने इसको बता दिया कि सक्सेसफुली रन, और इसने जो ये डिवाइड किया इसने डिवाइड करके हमें दे दिया। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखता हूँ जिससे कि हमें और ईजी हो जाए, मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2, ठीक है। सिंपली मैंने ये लिखा तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, 10 को डिवाइड कर दिया 2 से तो 5 आ गया हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा इसने हमें बता दिया। और अब इसने क्या किया, मतलब इसने ये वाला ब्लॉक हिट नहीं किया हमारा, इफ वाला ब्लॉक, जो ये इफ का ब्लॉक था, इसने डायरेक्ट हमारा रिजल्ट प्रिंट कर दिया और ये फाइनल एग्जीक्यूट कर दिया इसने, ना वो कैच ब्लॉक में गया। अब अगर मैंने उसको कहा हुआ है बी के अंदर मेरे पास 0 है, तो मैं बी में जब 0 भेजूंगा
तो वो क्या करेगा वो देखिए, इसने क्या किया बी के अंदर, ये जैसे इफ कंडीशन में आया इसको बी जीरो मिला तो इसने ट्राई इस ब्लॉक में भेजा, जिसके अंदर ये देखिए मैंने लगाया था लास्ट में एक सिंटेक्स जिससे हमें पता लग जाए एरर ब्लॉक, ये एरर ब्लॉक के अंदर आ गया। और बट इसने भी यहाँ पे लास्ट में हमें हिट करके दिया है सक्सेसफुली रन, इसने भी बताया कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, चाहे उसमें एरर था चाहे वो सक्सेसफुली रन हुआ था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि आप ट्राई कैच ब्लॉक को कैसे यूज कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।